Divine Trees. Divine Rays YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एडवोकेट इंदौर, उच्च न्यायालय इंदौर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डिफॉल्ट जमानत के बारे में। डिफॉल्ट जमानत क्या होती है और कानून में इससे संबंधित क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, काफ़ी बार हमारे समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है कि जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें बेल होगी या नहीं होगी या कितने दिनों में होगी। तमाम तरह की समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाती है। तो आज इसी विषय को लेकर हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो पुराना कानून था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और 1 जुलाई से जो नया कानून चालू लागू हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफॉल्ट बेल से संबंधित क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हम आपको शुरू से एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब कोई मामला दर्ज होता है और किसी पर किसी प्रकार का आरोप या FIR दर्ज हो जाती है, तो व्यक्ति के मन में या परिवार के लोगों के मन में एक चिंता उत्पन्न हो जाती है, एक विचार उत्पन्न हो जाता है कि अब जमानत कब होगी या कितने दिनों में होगी या इससे संबंधित क्या प्रावधान है। तो इसी बात को लेकर हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को आज बताना चाहते हैं, जिससे आपको आगे आपके कार्य में बहुत ही सुविधाजनक होगी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में इससे संबंधित प्रावधान है, जमानत से संबंधित, डिफॉल्ट जमानत से संबंधित प्रावधान है। तो जमानत से संबंधित जो प्रावधान है उसमें एक बात हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध दर्ज होता है या पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, तो उसके लिए कानून में जो प्रावधान है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 में ये प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, कोई भी पुलिस ऑफिसर या थाने का बाहर साधक अधिकारी आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने पर इल्लीगल डिटेन नहीं रख सकता है, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही होता है, ये आपका अधिकार है। और 24 घंटे के अंदर ही उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना रहता है। यदि मामला गंभीर है और उसमें 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है, तब वो आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब जो मजिस्ट्रेट है उसका ये अधिकार हो जाता है कि वो आपको उसी समय पे जमानत का लाभ दे दे। यदि उन्हें लगता है कि मामला आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 10 वर्ष तक की सजा से प्रावधानित है, उक्त समय में वो जमानत देने से मना कर सकते हैं। या ऐसा मामला है जो 10 वर्ष तक की सजा से प्रावधानित है, ऐसी अवधि में न्यायालय का विवेक बताता है कि वो आपको जमानत का लाभ देंगे या जमानत का लाभ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपको जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है तो अपराधी को जेल भेज दिया जाता है या पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। तो अधिकतम समय 15 दिवस के लिए पुलिस को रिमांड न्यायालय दे सकता है। ये प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में है। और यदि 24 घंटे में कोई मामला नहीं बन रहा है तो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस द्वारा आपको छोड़ दिया जाएगा, ये इससे संबंधित प्रावधान है। यही प्रावधान अगर आप देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 सबक्लॉज 2 में भी दिया हुआ है कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी को निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी या थाने का बाहर साधक अधिकारी आपको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता है, 24 घंटे में छोड़ना है। और मामला यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर मामला है, तब उस स्थिति में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय ये डिसाइड करता है कि जमानत देना है या नहीं देना है। इसी दौरान अगर हम देखते हैं तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसे 24 घंटे में ख़त्म करना है। यदि पुलिस 24 घंटे में अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, ऐसी स्थिति में अगर मृत्युदंड तक का सजा है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक है, तो पुलिस को 90 दिवस का समय दिया जाता है कि 90 दिवस में वो अपना चार्जशीट, अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके न्यायालय में सबमिट करे। और 10 वर्ष तक की अगर सजाओं का प्रावधान है उन धाराओं में,
तब 60 दिवस में वो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके न्यायालय में प्रस्तुत करे। ये दोनों ही चीजें न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन आईओ भार साधक अधिकारी को समय रहता है इस धारा में कि 90 दिवस और 60 दिवस में अपना इन्वेस्टिगेशन अनवेंशन खत्म करके न्यायालय में अपनी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल करे। यदि 90 दिन और 60 दिवस में पुलिस अधिकारी अपना इन्वेस्टिगेशन अनवेंशन खत्म नहीं करता है, ऐसी स्थिति में जो अपराधी है, जो एक्यूज है, उसको जमानत का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 60 दिवस में और 90 दिवस में पुलिस ने अपना काम खत्म नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, तब अपराधी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार उत्पन्न हो जाता है और वह यदि न्यायालय में जमानत देने के लिए तैयार है, यदि वो न्यायालय को सक्षम प्रतिभूति जमानत देने के लिए तैयार है, तब न्यायालय उसकी जमानत को 60 दिवस पश्चात या 90 दिवस पश्चात स्वीकार करके उसको जमानत का लाभ दे देगा। इसी को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समय सीमा जो है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का खत्म हो जाता है और समय में वो अपना काम नहीं कर पाते, तब अपराधी को यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो अपनी बेल न्यायालय से प्राप्त कर सके। इसमें ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था रितु छाबड़ा करके, जिसमें न्यायालय ने ये माना है कि यदि रिमांड अवधि या चार्जशीट कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद भी पुलिस द्वारा अपने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए या 90 दिन या 60 दिन का समय सीमा निकल चुका है, ऐसी स्थिति में जो जेल में निरुद्ध व्यक्ति है उसका यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि उसे जमानत का लाभ दे दिया जाए। यदि ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है तो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके राज्य द्वारा मनमानी की जा रही है और उससे इसका लाभ मिलना उसको जरूरी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो डिफॉल्ट बेल है, ये जो ऐसी बेल है जो कार्य समय पर नहीं करने या इन्वेस्टिगेशन अनवेंशन समय पर नहीं करने के बाद आपको प्राप्त हो जाती है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, कोई भी यदि ऐसे किसी प्रकरण में संलिप्त है या उसको अपराधी बना लिया है या उसे कस्टडी में या जेल में भेज दिया गया है, तब आप ये वाला जो पॉइंट है, जो धारा है 187 का उपयोग कर सकते हैं और समय सीमा में आप अपने व्यक्ति को जेल से बाहर ला सकते हैं सक्षम जमानतदार की प्रस्तुति करने के बाद। तो दोस्तों ये मैंने जानकारी आपको बताई है डिफॉल्ट बेल से संबंधित, और लगता है आपको ये जानकारी आपके काम में आएंगी और भविष्य में आप इसका उपयोग भी करेंगे। तो मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस जानकारी को सुना है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भविष्य में हम ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपका एक कमेंट हमें भविष्य में और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, कानूनी जानकारी बनाने के लिए उत्साहित करेगा और हम भविष्य में और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।